नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार ने कहा कि 7 अक्टूबर को गोहाना में भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के मंच से मुख्यमंत्री प्रदेश में सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, यूनिवर्सिटी, पालिकाओं, नगर परिषद से सफाई व सीवर के कार्य में जारी आउटसोर्स डोर टू डोर के ठेकों को समाप्त कर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों सहित सभी कच्चे सफाई व शिविर कर्मचारियों को पक्का किया जाए। भविष्य में सभी प्रकार के ठेकों पर रोक लगाते हुए सफाई कर्मचारियों एवं सिवार मानों को नियमित भर्ती की जाए। मैथिली सफाई कर्मचारियों, सीवर कर्मचारियों के लिए एस ग्रेशिया पॉलिसी नीति अलग बनाई जाए। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार मलकट, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य सचिव। काफी लंबे समय से नरेश जी मांग चल रही है कर्मचारियों को पक्का करने की हरियाणा पे, क्या कहेंगे इसमें? मेरा कहना ये है कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा काफ़ी वर्षों से लगातार कर्मचारी को पक्का करवाने के लिए, ठेका पड़ता समाप्त करवाने के लिए और भी अन्य मुद्दों पर लेकर के लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार बातचीत करती है और वायदा करती है कि आपकी सभी मांगे जायज है, हम कच्चे कर्मचारी पक्का करेंगे, ठेका पड़ता समाप्त करेंगे, टेबल पर बातचीत करती है लेकिन उससे मुकर जाती है। और हम इसी उसमें हम कहना चाह रहे हैं कि कल गोहाना में मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एक प्रोग्राम करा जा रहा है महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिन के अवसर पर। हम उसमें कहना चाह रहे हैं कि ये प्रोपगंडा ना करके, पहले भी आपने खूब पैर धोए सफाई कर्मचारियों के, आपने रैलियां करी, आपने जन्मदिन प्रकट दिवस मनाए और कल फिर करने जा रहे हैं। हम इसलिए कि आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सच्ची हितैषी है, जो कि दलितों में दलित सबसे निचले पायदान पर वाल्मीकि समाज आता है, इनकी आप कल रैली में आप उसमें राज्य स्तरीय जो प्रकट दिवस मना रहे हैं उसमें आप ये ऐलान करें कि कच्चे कर्मचारी पक्का करें और जो ठेके में जो लग रहे हैं कर्मचारी उनको रोल पर लाए, क्योंकि ठेकेदार द्वारा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, ना ही तो सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है। अमित जी, आज प्रेस वार्तालाप रखी गई थी निगम की तरफ से, सीवर कर्मचारी और जो सफाई कर्मचारी हैं कॉरपोरेशन और ग्रामीण क्षेत्रों के, उनको पक्का करने को लेके निश्चय हड़ताल बनाने की बात करें, क्या क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये हमारे लिए आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये जो सीवर कर्मचारी और हरियाणा कर्मचारी संघ के जो लोग, जो हमारे एक तरीके से देश की नींव हैं, इनको आज ये महसूस हो रहा है, ये अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि इनका जीवन यापन इस पर निर्भर करता है। अगर इन लोगों को पक्का ना किया जाए तो ये कहाँ जाएंगे? तो मेरी सरकार से ये मांग है कि जो इन्होंने को उनको आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उनको ये बताना पड़ा जिस हड़ताल पर ये जाने की बात कर रहे हैं, पहले तो ये 11-12 तारीख को सरकार से अपनी मांग को